आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है। गुरु पूर्णिमा या गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा बताने का, श्रद्धा पूर्वक उसको नमन करने का आज का दिन है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को परब्रह्म कहा है, गुरु को भगवान कहा है। आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा यह दिवस है आज का, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। और यह दिन व्यास ऋषि जो है, व्यास ऋषि, उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। व्यास जो है वो व्यास नाम से ही, वो व्यास पीठ शब्द आया हुआ है, मतलब स्टेज। और व्यास पीठ से कोई जब बोलता है तो वो झूठ नहीं बोलेगा, वो सच्चा बोलेगा, ऐसा एक माना जाता है। पूर्णिमा जो होती है उसका मतलब प्रकाश। गुरु ज्ञान देता है, मतलब ज्ञान का प्रकाश आपके तरफ पहुँचाता है। और इसलिए गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना यह आज का दिन का महत्व है, मतलब आज दिन आज करना चाहिए। गुरु विद्या देता है, गुरु शिक्षा देता है। अपना पहला गुरु जो है वो माँ होती है, और दूसरा गुरु जो है वो स्कूल का हमारा शिक्षक। जब हम स्कूल जाते हैं तब मिट्टी का गीला गोला है या मिट्टी है, उसको आकार देने का काम जैसा कुम्हार करता है, वैसा गुरु जो है वो हमको आकार देता, वो काम करता है। तो जो टीचर्स ने हमारे जीवन में डार्कनेस को हटा दिया, अंधेरा हटा दिया और प्रकाश लाया, तो इसलिए गुरु का पूजन हम आज करते हैं। गुरु मतलब गॉड हमारे कल्चर में माना जाता है, जो हमको अंधकार से, अज्ञान से दूर करता है, हमारा अज्ञान हमारा अंधकार दूर करता है। गुरु दक्षिणा वही हो सकती है एक्चुअली, कि जो गुरु ने सिखाया उसका पालन हमने किया, उसका एग्जीक्यूशन किया, उसको अप्लाई किया। नहीं तो सिखाया बस भूल गए तो उसको कोई मतलब नहीं है। मैंने जब मेरे गुरु को बताया कि भाई मुझे गुरु दक्षिणा देनी है, तो गुरु बोल रहे थे कि भाई आप काम करो, पहले लिखो कि कितने लोगों ने आपको अभी तक मदद की है, ये लिखो, उनकी लिस्ट बनाओ। कोई भी होंगी लिस्ट, कुछ भी मदद किया होगा, जैसा किसी ने आपको स्कूल में जाने के लिए मदद किया होगा, साइकिल पे डबल सीट बैठ के मैं स्कूल में किसी के गया तो उसने मुझे मदद की होगी, किसने साइकिल दिया होगा, जो भी बचपन से आज तक जो आपके गुरु थे उनकी लिस्ट, और जो जो लोगों ने आपको जो दिया उसकी लिस्ट बनाओ। जब मैंने लिस्ट बनाई तो मुझे करीब करीब 200 लोगों की लिस्ट बन गई, और वो लिस्ट ख़त्म ही नहीं हो रही थी। मैंने गुरु जो है उनको बताया कि मेरी लिस्ट है इतनी, तो अरे ठीक है अभी ये बताओ कि आपने कितने लोगों को मदद किया उसकी लिस्ट बनाओ। तो वो लिस्ट बहुत ज़्यादा बन नहीं रही थी, कि मैंने किन किन लोगों को मदद किया उसकी लिस्ट ज़्यादा नहीं बन रही थी, मैंने कितने लोगों को कॉन्ट्रीब्यूट किया, उनके जीवन में फ़र्क किया, ज़्यादा लिस्ट नहीं बन रही थी। तो फिर गुरु ने मुझे ये बताया कि भाई आप ऐसा करो कि मेरी गुरु दक्षिणा जो है वो ये है कि जो लोगों को आपने मदद किया है वो लोगों का नाम लिखो, और वो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए पहले लिस्ट से। जो लोगों ने मदद किया उनकी लिस्ट से, यदि जिनको मैंने मदद किया वो लिस्ट बड़ी होती है तो मुझे वही गुरु दक्षिणा है। तो मैं एकदम चौंक गया, मैंने बोला ठीक है अभी मैं ये करूँगा। और उन्होंने ये बोला कि भाई मैं जो देता हूँ उसको फेंक मत दो, आप फेंक देते हो, तो अभी गुरु दक्षिणा मुझे यही देना है, तो आप एक काम करो कि आपको जो जो नहीं चाहिए, जो जो आप में बुराइयाँ हैं, जो आपको निकालने का है वो मेरे पास दे दो, तो वो सचमुच गुरु दक्षिणा हो जाएगी। तो मेरा अहंकार है, बोले दे दो, मेरा ईगो है बहुत, मुझे लगता है कि मैं इतना अच्छा आदमी नहीं हूँ बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बोले दे दो मेरे को। मैंने बोला मेरे को गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, बोले दे दो। तो गुरु दक्षिणा वो चाहिए मुझे कि जो आपको नहीं चाहिए वो मैं लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ, पूरी भावना दे दो, तो जो नहीं चाहिए वो मुझे दे दो, ऐसा मुझे गुरु ने कहा। वैसे गुरु शिष्य परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है, और आप यदि देखते हैं तो भगवान श्री राम के गुरु थे गुरु वशिष्ठ, भगवान कृष्ण के जो थे गुरु वो है सांदीपनि ऋषि, चाणक्य के गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य, अर्जुन के गुरु थे द्रोणाचार्य, शिवाजी महाराज के गुरु थे संत रामदास, अभी हम आते रिसेंटली लता मंगेशकर के गुरु थे दीनानाथ मंगेशकर, और सचिन तेंदुलकर के गुरु थे रमाकांत आचरेकर। परफॉर्म अच्छा करना है तो टीम जो रहती है उसको एक कोच रहता है, फिर फुटबॉल की टीम रहो उसको भी कोच रहता है, और क्रिकेट की टीम रहो उसको भी कोच रहता है। और कोच का मतलब गुरु का काम है कि अपने शिष्य को जिताना, वो काम वो करता है। गुरु का काम यही है कि शिष्य मेरा आगे बढ़े, मेरे से भी ज़्यादा। मैं आज के दिन सभी मेरे गुरु जो रहे उनको सभी को मैं नमन करता हूँ, सभी तक मेरी प्रार्थना पहुँच जाएंगी, सभी लोगों को मेरा नमन पहुँच जाएगा। जो गुरु अनेक मेरे लाइफ में अभी तक हुए उनको सभी को मैं
हृदय से प्रणाम करता हूँ, सबका नाम लेना कठिन है, और उनको धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन्होंने भी अपने गुरु जी, जो जो लोगों ने आपके जीवन में फ़र्क डाला है, उनको सबको आज नमन करो, वही उनके लिए गुरु दक्षिणा है। थैंक यू वेरी मच।